અમદાવાદમાં વસ્ત્રાપુર કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન 53મી રાષ્ટ્રીય ખેલકૂદ પ્રતિયોગિતાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચેસમાં રમી ચૂકેલા અનુપ દેશમુખે પ્રતિયોગિતા અંતર્ગત ચેસ સ્પર્ધાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. અંડર 14 ચેસ સ્પર્ધામાં દેશના જમ્મુ કાશ્મીર, ચંદીગઢ, આગ્રા, ભોપાલના કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. 5 દિવસ ચાલનારી આ સ્પર્ધામાં જીતનાર વિદ્યાર્થીઓને મેડલ આપવામાં આવશે. भारत के 25 संभाग से बच्चे प्रतिभागिता निभाएंगे और केंद्रीय विद्यालय सैक अहमदाबाद में अंडर 14 चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन न केवल उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि उनमें वो स्पोर्ट्स स्किल्स डेवलप करता है जो आगे जाके उनको भारत का एक अच्छा नागरिक बनाता है. चेस ऐसे कैसा है? चेस सारे गेम का निचोड़ है. यानी इसमें कैसे रहता है, जैसे बास्केटबॉल में शॉर्ट पास, मीडियम लेंथ पास, लॉन्ग पास, हर ही गेम में, फुटबॉल में है, वॉलीबॉल में, वैसा चेस में भी है. शॉर्ट मूव्स, मिडिल रेंज मूव्स, लॉन्ग मूव्स, जैसे वॉलीबॉल में ब्लॉक है, चेस में भी ब्लॉक है, किसी में बैक पास है, चेस में भी बैक पास है. तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आप एक लेवल तक घर में ही पढ़ा सकते हैं. जैसा आपको पता चला कि इसका पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खेलता है, डिवोटेड है, फिर आप कोई एकेडमी या और कुछ ऐसा, फिर उसको एक प्रोफेशनली कोच के अंडर में डाल सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट. पूरे भारतवर्ष से 25 संभाग के लगभग 121 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता के दौरान इस अंडर 14 चेस में जो विजेता बच्चे होंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनको मेडल दिया जाता है और साथ में 5 बच्चों का SGFI के लिए आगे के लिए सिलेक्शन किया जाता है.